हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री सेक्शन का, यानी कि राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवोल्यूशन इन हिस्ट्री टुक प्लेस इन 1917। आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रीन रिवोल्यूशन, बी पेरू रिवोल्यूशन, सी रशियन रिवोल्यूशन या डी नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा, जो कि आपका 1917 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, द इंसिडेंट टुक प्लेस इन चौरी चौरा उत्तर प्रदेश वाज। आपके ऑप्शन हैं ए 5 फरवरी 1922, बी 12 फरवरी 1922, सी 19 जून 1924 या डी 29 जून 1924। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 5 फरवरी 1922, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन। आपके ऑप्शन हैं ए ट्रूथ, बी नॉन वायलेंस, सी सत्याग्रह या डी स्वराज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नॉन वायलेंस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, विच वर्ड वाज फर्स्ट यूज बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। आपके ऑप्शन हैं ए सत्याग्रह, ये बी होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बी आपका इंकलाब, सी ट्रूथ या डी नॉन वायलेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सत्याग्रह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार मार्क बनाकर रखें ये क्वेश्चन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन हैं ए खान अमीस खान, बी मोहसिन खान, सी खान अब्दुल गफर खान या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि खान अब्दुल गफर खान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी जी यूज द स्लोगन डो और डाई। तो आपके ऑप्शन हैं ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी सत्याग्रह मूवमेंट या डी नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, साबरमती आश्रम इज सिचुएटेड इन। आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी बिहार, सी आसाम या डी पंजाब। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार मार्क बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, इन विच ईयर डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एज ए बैरिस्टर एट लॉ फ्रॉम इंग्लैंड। आपके ऑप्शन हैं ए 1899, बी 1891, सी 1888 या डी 1879। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1891। महात्मा गांधी 22 साल के थे तब उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री एट लॉ कर जून 1891 में भारत की ओर प्रस्थान किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट हिज फेमस डांडी मार्च, जिसे हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं या दांडी यात्रा भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं ए 12 मार्च 1930, बी 18 जून 1930, सी 19 नवंबर 1830 या डी 21 दिसंबर 1830।
तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 12 मार्च 1930, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका द फेमस जालियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन, आपके ऑप्शन हैं ए पंजाब, बी झारखंड, सी आसाम या डी मणिपुर। आप लोग जानते होंगे जो जालियांवाला बाग मसक्कर जो हुआ था वो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा, और जिसे अमृतसर मसक्कर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस वाज, आपके ऑप्शन हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू या डी बी आर अम्बेडकर। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट्स हिज फाइट अगेंस्ट रेकिज्म इन साउथ अफ्रीका, आपके ऑप्शन हैं ए 1893, बी 1890, सी 1881 या डी 1871। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1893, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, आपके ऑप्शन हैं ए 1931, बी 1939, सी 1941 या डी 1955। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये टोटल 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे, जो कि 1930 में सबसे पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो हुआ था। देन आपका जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो आपका 1931 में हुआ था, और आपका जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 1932 में हुआ था। ये 3 कॉन्फ्रेंस, यानी कि 30, 31 एंड 32, ये 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे टोटल। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें आपका तीनों कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले भारत के ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने ये तीनों कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे, वो थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, याद रखिएगा। तो उस भी आपसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1931। आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपका गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, दिस फेमस क्वोट इज एट्रीब्यूटेड टू, आपके ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी मोतीलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी या डी खुदीराम बोस। यानी कि ये जो गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम जो है, ये जो लाइन है, ये किसने कहा था, ये हमें बताना है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। उसी प्रकार जो मोतीलाल नेहरू हैं, उन्होंने भी एक फेमस जो डायलॉग कहा था, जैसे कि जो था आपका माई ब्लड इज बॉइलिंग, याद रखिएगा। ये जो लाइन था ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। और आप लोग महात्मा गांधी की लाइन को जानते ही होंगे, उन्होंने क्या कहा था, जैसे कि डू और डाई, करो या मरो। तो इस तरह के जो लाइन्स हैं, फेमस लाइन्स, तो आप लोग प्लीज़ देख कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही टू कोर्ट अरेस्ट ड्यूरिंग दिल्ली चलो सत्याग्रह, आपके ऑप्शन हैं ए मुक्तिनाथ दास, बी आचार्य विनोबा भावे, सी मोतीलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आचार्य विनोबा भावे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका व्हेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, आपके ऑप्शन हैं ए जून 1946, बी जुलाई 1946, सी जून 1947 या डी जुलाई 1947।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका जुलाई 1947, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज। आपके ऑप्शंस हैं ए द नटाल इंडियन कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी स्वराज पार्टी या डी आजाद हिंद फौज। का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि द नटाल इंडियन कांग्रेस, जिसे NIC भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, हु फाउंडेड आजाद हिंद फौज। आपके ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी गोपीनाथ बरदोलोई, सी मनीराम देवान या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका, हाउ मेनी पीपल वे डाइड इन जलियांवाला बाग मासेकर ऑन 13th अप्रैल 1919। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। आपके ऑप्शन हैं ए 5th मार्च 1935, बी 10th मार्च 1932, सी 5th मार्च 1931 या डी 15th सितंबर 1929। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5th मार्च 1931, याद रखिएगा। तो ये था आपका टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को इग्नोर ना करें। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कि हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु अनाउंस्ड द कम्युनल अवार्ड इन 1932। अब इसका आंसर होगा आपका रैमसे मैकडोनल्ड ऑन 16th अगस्त 1932। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कब और किसने कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड द लाला लाजपत राय लूज हिज लाइफ। इसका आंसर इस प्रकार होगा, लाला लाजपत राय लॉस्ट हिज लाइफ व्हेन ही वाज लाठी चार्ज बाय द ब्रिटिश फॉर लीडिंग ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिमोन कमीशन एट लाहौर। तो ये आंसर आप लोग याद करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट ईयर HSLC में भी आया हुआ है, तो आप लोग इसको स्टार मार्क बना सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बॉर्न इन पोरबंदर ए टाउन इन गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया ऑन 2nd अक्टूबर 1869। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इजी बोलकर लाइटली लेते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी हम लोग भूल जाते हैं, तो आप लोग इसको भी स्टार मार्क बनाकर रखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर हुज लीडरशिप वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपका मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द लॉलेस मूवमेंट। जो अमान या जो आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका आंसर होगा आपका मेंट ऑफ द सिमोन कमीशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके खिलाफ जो लॉलेस मूवमेंट चला था, यानी कि अमान्य आंदोलन, तो ये आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन इंडिया। इसका आंसर होगा आपका 30 दिसंबर 1906, जो कि आपका 15 दिसंबर 1947 को डिजॉल्व हो गया। ये था आपका एस्टेब्लिशमेंट पीरियड और ये डिजॉल्विंग पीरियड था। उसके बाद आपका अगला इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स एंड रिवोल्यूशन, जो कि लेसन में है हमारे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप लोग जानते होंगे रशियन रिवोल्यूशन, जो कि आपका 8th मार्च 1917 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ नटाल इंडियन कांग्रेस, जो कि 22 अगस्त 1894 को स्टार्ट हुआ था।
उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो कि 10 अप्रैल 1917 को स्टार्ट हुआ था। ये सब डेट जो है, डेट ईयर आप लोग प्लीज़ याद रखें। उसके बाद अगला है रौलत एक्ट, जो कि कब पास हुआ था, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। आपका ये जो एक्ट है ये पास हुआ था आपका 18 मार्च 1919 को, याद रखिएगा। देन आपका जो जलियांवाला बाग मासाकर जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 5 सितंबर 1920 को हुआ था। उसके बाद गांधी दांडी यात्रा और दांडी मार्च और सॉल्ट मार्च, जिसे गांधी दांडी यात्रा या दांडी मार्च अथवा सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है, जो कि आपका 12 मार्च 1930 को इनिशिएटेड हुआ था। उसके बाद जो सत्याग्रह मूवमेंट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आई होप आप लोग को ये सारे जो भी मूवमेंट्स एंड रिवोल्यूशन है याद रहेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आई होप आप लोग ये सब नोट्स बनाकर प्रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।